नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो बनाए हुए 3 कानून थे उनको वापस लिया। इससे जो है पूरे देश में खुशी का माहौल है। किसान जो है एक साल से देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन को लेकर बैठे हुए थे। दोस्तों, ये जीत जो है अपने देश के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, आम आदमी की जीत है। इसमें जो है हमारा जो शहर हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर जो किसान है अपनी खुशी को किस तरह से दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर आकर ढोल बजाकर मिठाई बांटकर जो है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, अपना हनुमानगढ़ है। आप इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों, आप अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या को उचित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी अपनी आवाज़ बनूंगा। मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। दोबारा जब की बोलो, माही छोड़िए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पक्षन तेरी सोच से बड़ा देंगे ठोक के, पक्षन तेरी सोच से बड़ा देंगे ठोक के, इनकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। आज इतनी खुशी हो रही है साहब, कोई अनाप शनाप समान ही कौन लाग रही। के बोला, पूरा देश खुश, पूरा किसान खुश, मजदूर खुश, इंकलाब जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेने का जो सराहनीय कार्य किया है, इसे हम हमारी तरफ से यहाँ बहुत ही शब्दों में इसकी सराहना करते हैं। ये बहुत बड़ी एक किसानों की जीत है और सरकार ने भी जो किसानों की जो मंशा थी वो समझी, वे ये कानून उनके लिए अच्छे नहीं थे। ये दोहरी खुशी हो गई है, किसानों के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारी जीत हुई है, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। जय जवान जय किसान। आज सत्य की जीत हुई है और किसान और मजदूर ने अपना संगठन दिखाते हुए संघ व्यापारियों को लेकर के वो काम कर दिखाया कि आने वाली सरकारें भी किसान के ऊपर कोई नज़र नहीं गड़ा सकेगी दूसरी तौर तरीके से। ये हम सबकी जीत है और पूंजीपतियों के खिलाफ सरकार जो
उनका साथ दे रही थी। अब जो हमारा अनाज है वो किसी पूंजीपति के चंगुल में नहीं फंस पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो तीन काले कानून लागू किए गए थे यानी कि थोपे गए थे किसानों पर, उनको लेकर पिछले एक साल से किसान धरने प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली के चारों तरफ किसान इन काले कानूनों को वापस करवाने के लिए बैठे थे और आखिर में सरकार को दबाव में आना पड़ा क्योंकि किसानों के साथ हर वर्ग जुड़ रहा था। पूरे देश में आंदोलन फैल चुका था और मोदी को पता चल चुका था कि मैंने जो गलत काम किया है उसको वापस लेना पड़ेगा और सरकार दबाव में आई किसानों के, मजदूरों के और व्यापारियों के, और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उनकी जो कानूनों को वापस लेने की घोषणा आज सुबह देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, उसी खुशी में आज सभी किसानों ने इकट्ठे होकर यहाँ खुशी मनाई और आने वाले दिनों में जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होगी इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। और जब तक संसद में प्रस्ताव पास नहीं होता, कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, जिस तरह से आंदोलन में किसान बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे और जब ये फैसला होगा और कानून वापस हो जाएंगे उस समय किसान आंदोलन छोड़ेगा और अपने घरों में जाएगा। अभी आंदोलन चलता रहेगा। आज जो खुशी मनाई है ये मनाई है कि मोदी को पता चल चुका है कि मैंने गलत काम किया, गलत कदम उठाया, उसके पीछे हटने से किसानों की आज बहुत बड़ी जीत हुई है, वो ही खुशी मनाई गई है, ना कि किसी मोदी को धन्यवाद देने के लिए। ये नहीं, ये किसानों की एकता, हमारा संगठन, किसानों की मेहनत और जो हमारे किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। बिल्कुल, जो हमारी टीम गठित हुई है यहाँ ही नहीं पूरे देश में किसान मजदूर व्यापारी हर वर्ग समझ चुका है कि सरकारें कैसे आम जनता के साथ धोखा करती हैं, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे जो कारपोरेट घरानों हैं उनके हाथों इनके बिकने की बात करें, तो आज देश का हर वर्ग समझ चुका है और आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही आंदोलन लड़ते रहे। जो मॉल पर टूल पर बैठे हैं जब तक संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से कोई फैसला नहीं आता है उनको वैसे ही बैठे रहना है जैसे पहले से बैठे हैं। किसानों में, नागरिकों में जो है खुशी का माहौल, लोग जो है सड़कों पर नाच कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो आम आते हुए नागरिकों को, लोगों को जो है लड्डू बांट कर जो है तीनों कानून वापस लेने के मोदी जी के ऐलान के बाद से जो खुशी की लहर है इनमें। एकता जिंदाबाद, किसानों की जीत। जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को या गुरु पर्व पर भी ये तोहफा दिया है इसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन किसानों के साथ जो एक साल से किसान जो दिल्ली धरने पर बैठे थे, पूरे देश का किसान है, उसके लिए सरकार की निंदा भी करते हैं हम कि एक साल से हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। उन किसान शहीदों को ये जो एक गुरु पर्व के दिन इन्होंने जो रिपील करने का प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये किसानों की जीत के रूप में इसको हम देखते हैं और ये उन शहीद किसानों को समर्पित ये जीत के श्रेय जाता है। और इस किसानों के जो धरना जो दिल्ली में चल रहा है ये जब तक वापस नहीं होगा, जब तक तीनों कृषि कानून संसद में इसको वापस लेंगे और उसके बाद में MSP गारंटी किसानों को मिलेगी, किसान अपने दिल्ली धरने पर बैठे हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगे ये धरने को बिल्कुल छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। 26 और 29 तारीख के बीच में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेगा और जिला मुख्यालय पर तहसीलों के ऊपर किसान इसी तरह डटा रहेगा। ये बिल्कुल इन सरकार के झूठे वादों और झांसों में आने वाला नहीं है। नमस्कार भाई साहब, आज जो एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम लगभग 12 महीनों से किसान जो आज दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा था उसके लिए हम मोदी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों की इस मजबूरी को, इस
जो काले कानून वो लेके आई थी उसको समझा कि ये जो बिल हैं कहीं ना कहीं खेती और खेती के नष्ट करने के लिए लेके आई थी उसको आज वापसी लिया है। तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी सरकार का भी और उन किसान साथियों का जो हमारे लिए अपनी शहीदी दे गए हैं और जो आज भी डटे हुए हैं बॉर्डरों पर। धन्यवाद मित्रों। ये है अपने देश का किसान जो सफाई को भी अहमियत देता है, अपने द्वारा जो है की हुई इस पावन जगह की जो है सफाई भी कर अपने द्वारा जो की हुई जो जो है आज जो ये समारोह हुआ खुशी हुई और श्रद्धांजलि दी है जो उसके लिए जो है इन लोगों ने जो है खुशी दी।